हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं अनुमंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बीच में बंद कर देंगे तो शायद पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं या हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स के बारे में ना जानते हो, तो प्रधानमंत्री जी के नया कैबिनेट जो यहाँ पर बनाया गया है उसमें मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को नया एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। हमारे पास में इससे पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के लिए वो थे मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और वो अपने ट्विटर हैंडल से हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड करवाते थे, आप लोगों तक पहुंचाते थे, काफी एक्टिवली एंगेज भी थे वो। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हालांकि ये सुनने में भी आया था कि मोदी जी ने खास तौर पे सभी मिनिस्टर्स को कहा हुआ था कि वो अपने ट्विटर हैंडल से या जो भी उनका सोशल मीडिया का अकाउंट हो उस पर एक्टिवली एंगेज रहें, कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट तक या जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाए। तो उसी के तहत यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती थी। अब हम सबका एग्जाम जो है वो एनटीए लेती है और एनटीए के तहत नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पोखरियाल जी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 6 जुलाई को सबसे पहले इन्होंने ही अपने ट्विटर हैंडल से ये नोटिसेस बताए थे कि जेईई मेंस के एग्जाम की डेट को हम अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद में जाके एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस हमें देखने को मिले थे। पर अब यहाँ पर आप लोग इनके स्टेटस को देख सकते हैं पोखरियाल जी के, यहाँ पर इनका जो स्टेटस है वो फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का हो गया है। यानी अब जो इंफॉर्मेशन है वो मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, तो अब हमें फॉलो करना पड़ेगा मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को। अब आप लोगों में से काफी सारे फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो ट्विटर वगैरह यूज नहीं करते हैं या ज्यादा फैमिलियर नहीं है ट्विटर को लेकर, तो उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस चैनल के साथ में बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ में, ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट ये चैनल आप लोगों तक पहुंचा पाए। आप में से जो स्टूडेंट पुराने हैं इस चैनल के साथ में काफी समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कोई इधर उधर की वीडियो आप लोगों को कभी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जो भी ऑथेंटिक अपडेट सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को ये चैनल प्रोवाइड करवाता है। तो आप लोग जो नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके बेल आइकन बनकर आए उस पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि ये चैनल आप लोगों तक सब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का यहाँ पर स्टेटस आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। खैर एंटरप्रेन्योरशिप का तो हमें लेना देना नहीं है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काफी हद तक बताता है कि अब सारी इंफॉर्मेशन जो भी नेट के एग्जाम की होगी वो हमें इनके ट्विटर हैंडल से देखने को मिलेगी। मोदी सरकार के अंडर में सारे मिनिस्टर्स हैं, ऐसे में हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से प्रोवाइड करवाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा इस चैनल की पहल भी यही रही है कि स्टूडेंट को यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट बनाया जाए, स्टूडेंट को खुद से आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाया जाए, जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ऐसा ही कुछ अभियान इस चैनल का भी है कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंट बने, वो खुद से जान पाए कि कहाँ से उसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किस तरीके से वो अपडेट को सबसे पहले देख सकता है। तो इसी प्रयास के तहत ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, क्योंकि नेट के एग्जाम को लेकर हर एक अपडेट और हर इंपॉर्टेंट वीडियो ये चैनल आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाता है। और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी ऐसी उम्मीद मैं यहाँ पर करता हूँ। जो स्टूडेंट अब ढीले पड़ चुके थे तैयारी में उनको खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अब ढीले मत पड़िए, क्योंकि जल्दी ही हमें एग्जाम डेट देखने को मिलेगी और वो धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्विटर हैंडल से ही यहाँ पर देखने को मिल सकती है, काफी चांसेस हमारे पास में यही है। तो इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और ये चैनल पहुंच पाए, और वो भी जान पाए कि किस तरीके से वो सबसे पहले हर एक अपडेट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।